परासरण। परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है। विलायक के अणुओं का एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना परासरण कहलाता है। यह तब तक होता है जब तक कि संतुलन की स्थिति नहीं आ जाती है, यानी कि दोनों विलयन समान रूप से सांद्र नहीं हो जाते। एक अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो कि कुछ निश्चित अणुओं को अपने में से गुजरने देती है, दूसरे अणुओं को नहीं। परासरण के उदाहरण हर जगह देखे जा सकते हैं। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए परासरण का ही उपयोग करते हैं। यदि हम फूल गोभी के टुकड़ों पर नमक छिड़कते हैं तो हमें तुरंत ही नीचे पानी का एक पूल बनता हुए दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक परासरण का उपयोग करके सब्जियों से पानी बाहर खींचता है। मूली के पराठे बनाते समय हम हमेशा मूलियों में नमक मिलाते हैं और उसके बाद उनके द्वारा छोड़े गए पानी को निचोड़कर अलग कर देते हैं। इस प्रकार हम परासरण का सिद्धांत लागू करते हैं। इसी प्रकार से हमारे द्वारा खाने में नमक डालते ही ये तुरंत से बेहतर महकने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक परासरण के द्वारा खाने से पानी और स्वाद यौगिकों को बाहर खींच लेता है। एक आलू परासरण मापी के द्वारा परासरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हमें चाहिए एक आलू या गाजर या ककड़ी, चीनी का विलयन, पानी, बीकर, एक पेट्री डिश, बेल पिने और एक कटर। आलू या गाजर या ककड़ी का छिलका छील लें। इसके एक सिरे को काटकर समतल या बराबर कर लें और बीच में लगभग नीचे तक एक गुहा बना लें। आलू को उसके समतल सिरे से पानी से आधी भरी हुई एक पेट्री डिश में रख लें। गुहा में आधे तक चीनी का विलयन भर लें और एक पिन की मदद से स्तर को चिन्हित कर लें। यह व्यवस्था एक परासरण मापी की तरह काम करती है। एक घंटे के लिए परासरण मापी को यूं ही छोड़ दें और गुहा के अंदर के चीनी विलयन के स्तर का निरीक्षण करें। यदि परिणाम जल्दी चाहते हैं तो चीनी या नमक का एक चम्मच गुहा में डाल दें और सेटअप को यूं ही छोड़ दें। कुछ ही मिनटों में आप चीनी या नमक को गीला होते हुए देख सकते हैं। आप देखेंगे कि परासरण मापी के अंदर चीनी के विलयन के स्तर में वृद्धि हो गई है। दोनों क्षेत्रों यानी कि गुहा के चीनी के विलयन और पेट्री डिश के पानी में पानी के अणुओं या विलायक की सांद्रता में अंतर होने के कारण पेट्री डिश से पानी चीनी के विलयन में जाता है। आलू की कोशिका झिल्ली पानी के प्रवाह या गति के लिए चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है और पानी का यह प्रवाह और कुछ नहीं बल्कि परासरण है। सवाल जवाब। पेट्री डिश के पानी को चख कर देखें, क्या हमें इसके मीठा होने की उम्मीद है? नहीं, पेट्री डिश में मौजूद पानी मीठा नहीं होना चाहिए क्योंकि आलू एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के तरह काम करता है। आलू के अंदर अधिक सांद्रता वाला चीनी का विलयन है, इसलिए झिल्ली के द्वारा पानी अंदर जाकर चीनी के विलयन की सांद्रता को कम कर देता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है जिससे कि चीनी का विलयन आलू में से होते हुए पेट्री डिश के पानी में आ जाए। क्या इंसान केवल खाना पकाने के लिए परासरण का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हमारा शरीर हर समय परासरण क्रिया का उपयोग करता है। परासरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी हमारी प्रत्येक कोशिका में प्रवेश करता है। किडनी या गुर्दा ऐसे अंग हैं जो कि अपना काम करने के लिए परासरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। शरीर के अवशिष्ट पदार्थों में से पानी को अच्छा करने के लिए गुर्दे इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। हमारे रक्त को फिल्टर कर साफ करने के लिए भी गुर्दे परासरण का उपयोग करते हैं। पसीने का आना एक और ऐसी प्रक्रिया है जो कि परासरण का इस्तेमाल कर शरीर से पानी बाहर निकालती है।